नमस्कार न्यूज 24 जय हिंद में आपका स्वागत है। जब से देश में लॉकडाउन हुआ है तभी देश की पुलिस को अलग अलग कारनामे देखने को मिल रहे हैं। कहीं तो पुलिस आम जनता पर डंडे बरसाते नजर आती है तो कहीं धमकाते हुए नजर आती है, और जब कोई इनसे बात करना चाहे तो ये पुलिसकर्मी उनसे बदसलूकी करने पर आमदा हो जाते हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है मुंबई का। मुंबई में समाजवादी पार्टी के लीडर अबू आसिम ने जब पुलिस पर प्रवासी मजदूरों की सहायता ना करने पर नाराजगी जताई तो खाकी वर्दीधारी उनसे ही बदतमीजी करने लगे। दरअसल इन दिनों लॉकडाउन में सबसे अधिक तकलीफ किसी को हो रही है तो वो है मजदूर वर्ग। तो समाजवादी पार्टी के लीडर अबू आसिम ने खाकी के पदाधिकारियों से बात करना चाही तो एक महिला अधिकारी उससे ही बदतमीजी करने लगी। आइए देखते हैं क्या है पूरा मामला। कैसे आदमी लोग यहाँ आ गए, किस तरह आ गए? अगर आपके पास जिस पारा सब्जी तो भारत साहब बोलेंगे ना, आपका फॉर्म भरा गया है ना, आपका जीवन ज्यादा खराब हो गया है। आप ज्यादा कैसे बात करती है ऐसी? आप इस तरह बात कर दीजिए, आप बात नहीं करती, आप एमएलए से बात करना घूम नहीं जाती। आप मैं उम्मीद नीचे लगती आप बात हमारे आप आई हैं, मैं आपसे बात करूँ, आपके लिए बात ही करूंगी। मिसमैनेजमेंट पुलिस का हम चैलेंज हो, तुम पुलिस है जिम्मेदार है ना। ये जानवर इंसान है, आपकी खड़ा रोता बात कर रही इस तरह से आप। मैंने आपसे कहा मिसमैनेजमेंट, आपका मैं नहीं सुनूंगी। किसका आदमी कैसे पब्लिक आ गई यहाँ पे? मैं होम मिनिस्टर से बात करूंगा कि स्टेशन पर इतने ज्यादा आदमी कैसे पहुंच जाते हैं। जब टिकट कंफर्म नहीं तो पुलिस अपनी गाड़ी में बिठाकर क्यों ले गई? ये जवाब मांगू कि नहीं मांगू इनसे? बिल्कुल जरूरी है। और ये औरत कहती है कि आपने पुलिस पे इल्जाम लगाया, मैं बात नहीं करूंगी। तेरे बाप के बाप के बाप को बात करनी। अरे बैठो। एक हवलदार को सुना करता हूँ, अच्छा मेहनत करता है तो मैं डॉक्टरों की पुलिस डिपार्टमेंट का बहुत प्रशंसक हूँ। मैंने मेरी पूरी होटल पुलिस वालों को दिया है। मैं पुलिस का दुश्मन नहीं हूँ, लेकिन अगर बीजेपी के तले चाटने वाले पुलिस वाले होंगे ना तो मैं उनके छक्के छुड़ाना चाहता हूँ। एक बार हमने देख लिया, लोगों ने मना किया, समझाया, हमने हाथ जोड़ा आ किसी चौराहे पर, 3 घंटे अंदर बैठे रहे, मना किया, जाने दो खत्म करो, लेकिन इसका दिमाग खराब हो गया। इतने लोग खड़े हो, आप लोग बताओ मुझे एक आदमी भी इसमें से कि ये मिसमैनेजमेंट है कि नहीं। इतने लोग सोए हैं सड़क के ऊपर, ये फोटो जा रही है दुनिया में, मेरे मुल्क की बदनामी हो रही है, मेरी सरकार महाराष्ट्र सरकार की बदनामी हो रही है। ये जिम्मेदारी है सेंट्रल गवर्नमेंट की इस ट्रेन देने की, और ये लोग जो ट्रेन दे रहे हैं ना वो सड़ी हुई ट्रेन दे रहे हैं जो कई सालों से गोदाम में खड़ी थी, वो ट्रेने दे रहे हैं। और ये ट्रेने किसी काम की नहीं थी। मुझे मैसेज आया कि 10-10 घंटे ट्रेने रास्ते में खड़ी रही, 10-10 घंटे। सही है। बेयारो मददगार, 8 दिन में पहुंची गाड़ी, 2 दिन की सरकार कह रही है, हम सबको भेज रहे हैं। ये हिसाब मांगू कि नहीं मांगू, 10 घंटे क्यों खड़ी थी? एक आदमी ट्रेन में मर गया, किसकी जिम्मेदारी? जो ट्रेन 24 घंटे में पहुंचना चाहिए 60 घंटे में जा रही है। आदमी कहता है मत दो खाना, मुझे मेरे माँ बाप के साथ पहुँचा दो, मैं मरूंगा माँ बाप की गोद में। वो भी सुनने को तैयार है? याद रखना, जब गरीब का कलेजा फटता है ना तो सब जला कर रख देता है। क्या हो रहा है? कोई महल नहीं चाहिए, दूर दूर बैठो, महल नहीं चाहिए, कोई पॉलिटिक्स करने नहीं आया हूँ, मैं कोई शासन करने यहाँ नहीं आया हूँ। हालांकि शासन तो करता हूँ, मेरा काम ही शासन का है, लेकिन मैं किसी अच्छे आदमी को बुरा कहने नहीं आया हूँ। जो अच्छा करता है उसकी तारीफ करता हूँ। मैं तो यहाँ मेरी वाइफ
मेरी सास की तबीयत खराब थी, मेरी बीवी देखने गई थी, उसने कहा कि मुझे घर से ले लेना, शायद रास्ते में कोई पुलिस रोके, तो मैं यहाँ आया और ये रास्ता बंद था। मैं पूछता हूँ शर्मा से, ये रास्ता तुमने बंद किया? वो जेजे से यहाँ तक चालू है, यहाँ तुमने बंद किया? मैं गाड़ी व्यवस्था मांग के क्यों जाऊँ भाई, तुमने वहाँ क्यों नहीं बंद किया? अगर तुम्हें बंद करना था रास्ता, तो तुमको मेन रोड से रास्ता बंद करना चाहिए। बोलिए सही है कि गलत है? ये भी तुम्हारा मिसमैनेजमेंट है। यहाँ आने के बाद पुलिस वाले कहते हैं गाड़ी रिवर्स मार के जाओ। मैंने कहा बेटा दरवाजा खोलो, गेट खोलो। तब गेट खोला तो मैं आया यहाँ। ये बदतमीजियां इन लोगों की है, इसके खिलाफ हम बैठे हैं यहाँ पर। और मैं अगर मेरा उत्तर प्रदेश होता, मेरी सरकार होती, खुदा की कसम मैं उसकी कसम खाता हूँ जिसके कब्जे में मेरी जान है। उद्धव जी आप भी सुन लीजिएगा, अनिल देशमुख साहब आप भी सुन लीजिएगा, मैं आपका सपोर्टर हूँ, लेकिन एक फोन करता लखनऊ में खुदा की कसम आधे घंटे में उस पुलिस वाले को जेल नहीं भेजता, तो मैं अपनी बाप की औलाद हूं। क्या हो रही सरकार, मेरे सरकार को क्या हो गया भाई? तो हुआ क्या है? पुलिस का राज है क्या? डेमोक्रेसी है? एक पुलिस अफसर जिसके नाम जुड़े हुए लोग, ये जरा पीछे वाले को बैठा दो यार, गेट लेके बैठा दो। पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव चिल्ला रहे हैं भाई को, थोड़ा और पीछे ले लेते हैं अपन तो रास्ता बंद हो जाता है। ये रास्ता जो हमारा नगर सेवक है, दूसरे पार्टी के एमएलए भी कह रहे हटाओ, उसके बाद भी सुनने को तैयार नहीं, इसलिए आज बैठे हैं। जेल चलोगे कि नहीं चलोगे? चलेंगे चलेंगे चलेंगे। जेल में तेरे जगह है कितनी, देख लिया फिर देखेंगे। जेल में तेरे जगह है कितनी, देख लिया फिर देखेंगे। जेल में तेरे जगह है कितनी, देख लिया फिर देखेंगे। शालिनी शर्मा को सस्पेंड करो, सस्पेंड करो। शालिनी शर्मा का मिसबिलीव नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। शालिनी शर्मा की दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। क्या गलत बोलेगा? आठ बजे से पब्लिक सुबह से आके बैठी है भाई, सुबह से आठ बजे से बैठी। रास्ता बोलते कहाँ है कोई?